फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सुबह सुबह आदित्य के लिए बना रही हूँ दूध, और आस्था जा चुकी है स्कूल। तो अभी दोनों बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो कभी आस्था का स्कूल हो रहा है तो कभी आदि का स्कूल हो रहा है। आदि आज नाश्ता क्या करोगे? प्याज का पराठा। ओके, बनाती हूँ प्याज का पराठा। तो मैं बनाऊंगी दो प्याज पराठा, एक अपने लिए और एक आदि के लिए। तो जिसके लिए मैं यहाँ ले ली हूँ एक प्याज, और इस प्याज को मैं बिल्कुल बारीक काटूंगी। तो इसको बिल्कुल बारीक काट लेना है प्याज को। मेरा प्याज कट चुका है, और इसमें मैं ऐड करूंगी कुछ मसालों को। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हल्दी डालूँगी, दो चुटकी के लगभग, और लाल मिर्च पाउडर अपने स्वादानुसार। फिर मैं इसमें डालूंगी हाफ़ स्पून से भी कम धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और एक कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों में लेके मसल के भी इसमें ऐड कर देंगे। और फिर इसमें डालूंगी मैं अजवाइन डालूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला पाउडर, और स्वादानुसार नमक बस, और कुछ इसमें नहीं ऐड करना है। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। तो यहाँ हम लेंगे जो रोटी बनाते हैं लोई, उससे दुगना मात्रा में हम बड़ा लोई लेंगे, और इसमें आटा लगा लेंगे। और अब इसको थोड़ा सा हम लोग बेल लेंगे, पूरा बड़ा नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा बेलूँगी इसको। तो इस तरह से बेल लूँगी, और फिर और इसके बीच में मैं रख दूंगी जो प्याज का मैं मसाला तैयार की हूँ, और इसको फिर मैं बंद कर लूँगी चारों तरफ से अच्छी तरह से चिपकाते हुए। इसको इस तरह से मैं बंद कर लूँगी। अधिकतर हम लोग देखते हैं ना कि प्याज का पराठा बेलते समय ना बहुत फट जाता है, निकल जाता है, लेकिन इस तरह से हम इसको इसका मुंह बंद करेंगे ना और फिर बेलेंगे तो ज़्यादा नहीं फटेगा, बिल्कुल हल्का सा फटेगा। देखिएगा, मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। तो इसमें आटा लगा लेंगे अच्छी तरह से ताकि ये चिपके नहीं, और इसको बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से बेलना है, ज़्यादा जोर लगाकर नहीं बेलना है, नहीं तो ये फट जाएगा। तो मैं कोशिश करूँ कि ये ज़्यादा ना फटे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ज़्यादा नहीं फटा हुआ है, बहुत ही अच्छा बेल चुका है। और तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो तवे पे रख देंगे पराठे को, और इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से उलटते हुए सेक लेंगे पहले, और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे बटर, क्योंकि आदित्य को बटर बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं आज इसमें लगाऊंगी बटर। तो फ्लेम हमारा मीडियम ही रहेगा, हाई नहीं रखेंगे, हाई फ्लेम रखने पे ना पराठा हमारा जल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसको दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से सेकेंगे पहले, क्योंकि अच्छी तरह से सेका हुआ पराठा ही बहुत टेस्टी लगता है। तो बस हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है खाने के लिए। तो फाइनली मेरा पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है खाने के लिए, और अब मैं देखूंगी आदि का रिएक्शन क्या होता है पराठा खाने के बाद। तो पराठा खाएंगे हम लोग दही और सॉस से, क्योंकि आदि को सॉस कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो नहीं तो सिर्फ दही से ही पराठा बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन उसको सॉस से पराठा बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आदि के लिए। तो आदि इंतज़ार कर रहा अपना पराठा का, और देखती हूँ कैसा लगता है आदि को ये पराठा। बहुत टेस्टी बना था। तो नाश्ता करने के बाद मैं लंच की तैयारी में लग गई, और लंच में मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जिसके लिए मैं भिंडी को पहले तेल में थोड़ा फ्राई कर लूँगी, और यहाँ पे उसका मसाला भी निकाल ली हूँ। तो जब तक भिंडी फ्राई हो रहा है तब तक जाके मैं मसाला पीस लूँगी, और लंच में यही रहेगा भिंडी की सब्ज़ी चावल दाल, बस आज यही रहेगा लंच में।